प्लस। खीर भवानी मेला तो इस टाइम चल रहा है, आज से स्टार्ट हुआ, तो ट्रैफिक के क्या इंतजाम है? मेरे साथ एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर आरपी सिंह है। कल शाम को एडवाइजरी भी निकाली थी पूरे रूट्स जो है खीर भवानी मेला के लिए, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लिए या बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर है बाकी। अभी शाम को 120 के करीब एसआरटी बसेस यहां पे पहुंचे, 4000 के करीब उसमें यात्री थे। तो क्या अरेंजमेंट से, शाम का टाइम है, शाम के 7:30-8 बजने हुए हैं, तो क्या अरेंजमेंट से एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर से जानना चाहेंगे? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पे श्रद्धालुगण यहाँ पे आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत तहे दिल से कर रहा हूँ। और इसके लिए जो हम ट्रैफिक इंतजाम जो किए हम लोगों ने एक प्रॉपर डिप्लॉयमेंट के तहत किए हुए हैं, और हम लोगों ने ये पूरा का पूरा जो इलाका है कोई 3-4 जोन में डिवाइड किया और उसके सेक्टर्स भी रखे हैं ताकि मैक्सिमम जगह पे हम अपनी डिप्लॉयमेंट रखें सो दैट हैसल फ्री मूवमेंट रहे। और इसके अखबार में हम लोगों ने कल एडवाइजरी भी निकाली है जो ट्रैफिक जो इनकमिंग और जो आउटगोइंग जो रहेंगे श्रद्धालु जो आएंगे यहाँ पे, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और मैं काफ़ी सोशल मीडिया में भी मैंने उनको किया हुआ है वहाँ पे और बताया कि इसको भी आप लोग थोड़ा सा इसका ये एडवर्टाइजमेंट करें। और इसके तहत हम लोगों ने राइट फ्रॉम ये पांदे से लेके ब्यामा से लेके फिर बाद में हमारा टी चौक रहेगा, फिर आपका पुलिस स्टेशन रहेगा, उसके बाद जो इलाका रहेगा हमारा जो ये सीधे आप माता खीर भवानी का जो टेंपल है वहाँ से होते हुए सीधे आप यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वहाँ पे उसके अपोजिट में वहाँ पार्किंग रहेगी, जो भी श्रद्धालु रहेंगे सारी की सारी पार्किंग का जो इंतजाम है वहाँ पे है। और वीवीआईपी पार्किंग जो है वो हमारे यहाँ पे टेंपल के जो फ्रंट में जो आता है वहाँ पे जो सुमो स्टैंड है यहाँ पे नॉर्मल जो गाड़ियाँ रहती हैं, और जो भी गाड़ियाँ जो आउटगोइंग जो गाड़ियाँ रहेंगी उसके लिए रूट 1 और रूट 2 रखे हैं हम लोगों ने। रूट 1 जो रहेगा हमारा डांगरपुरा जो चौक है उससे जो आप राइट चलेंगे तो सीधे आप लोग डुमकदल से फिर बाद में आप टी चौक के बाद में ब्यामा से सीधे पांदेश के लिए निकल जाएंगे, और लेफ्ट चलेंगे तो वो बारसू के बाद आपका सुम्बल ब्रिज जो रहेगा, सुम्बल ब्रिज के बाद फिर आप शादीपुरा और देन आप सीधे श्रीनगर की ओर निकल जाएंगे। ये हम लोगों ने रूट्स प्लान किए हुए हैं और अकॉर्डिंगली इसके ऊपर ताकि हमारा जो डाइवर्शन भी रहेगा और मिनिमम इन्फ्लक्स जो रहेगा एक ही रूट पर रहेगा, क्योंकि रूट थोड़ा सा हमारा थोड़ा नैरो है, इस सिलसिले में हम लोगों ने ये वन वे ही रखा हुआ है सो दैट हैसल फ्री मूवमेंट रहे और जितने भी श्रद्धालु हैं वो कंफर्टेबल रहें। और उसके साथ साथ हम लोगों ने फेरी के लिए जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई 33 के करीब यहाँ पे छोटी व्हीकल्स रखी हैं और जिसके ताकि सुविधा में ना रहें जितने भी श्रद्धालु हैं, और जब भी वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आए या फिर यहाँ से मंदिर के लिए यूनिवर्सिटी के लिए जाएं तो उनके लिए जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल यहाँ पे है। सर, गांधरबल के लिए जो ऑलरेडी थोड़ा ट्रैफिक रहती थी कंजेशन, तो कल के लिए कोई स्पेशल नफरी को बढ़ाया गया है? डेफिनेटली ऑगमेंट किए हुए हैं और हम लोगों ने काफी नफरी इसमें लगाई है। इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्टर्स भी बढ़ाए हैं इसमें और जोन भी बढ़ाए हैं, और आपको मिलेगा कल आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट हम लोग भी कोई 3-4 हमने बाइक्स भी रखे हैं, रिकवरी वैन भी है यहाँ पे, और ऑगमेंट भी किया, काफी नफरी हमने ऑगमेंट किया इसमें। थैंक यू।